बरूड़ संकुल के अंतर्गत आने वाले शासकीय स्कूल बेड़ियापुरा में शासन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहां संस्था के प्रधान पाठक की मनमर्जी चरम पर है। जहां प्रधान पाठक का असमय विद्यालय आना एवं नियमों को ताक में रखकर विद्यालय का संचालन करना आम बात हो गई है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर ना तो विद्यालय में कोई कार्यक्रम करवाया गया व ना ही खाना मेन्यू अनुसार दिया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय अधिकारी यहां कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज्ञात रहे कि प्रधान पाठक की ड्यूटी बीएलओ में होने की वजह से पूरा विद्यालय मनमर्जी अनुसार चलता है। एक ओर शिक्षा का स्तर कमजोर होते जा रहा है, वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि या पत्रकारों द्वारा आकस्मिक शिक्षा संबंधी व मेन्यू अनुसार भोजन की जानकारी लेने पर उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा ही मामला शासकीय विद्यालय बेड़ियापुरा के प्रधान पाठक राम रतन पाटीदार द्वारा किया गया। वहीं पत्रकारों ने शिक्षा एवं मध्यान्ह भोजन मेन्यू के संबंध में जानकारी लेना चाही, तब प्रधान पाठक ने अभद्र भाषा के साथ बताया कि हम स्कूल अपनी मर्जी से चलाएंगे। बरूड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। में क्या क्या खिला रहे? आज पूरी और सब्जी। खीर नहीं दे रहे? नहीं। खीर नहीं देते? नहीं। भोजन करने के बाद थालियां तुम धोते हो? आप लोग धोते हो थालियां? बस ये आप लोग धोते हो? नहीं, हम सब पानी लगा के थोड़ा साफ करते हैं। सर, बेड़ियापुरा स्कूल में समूह द्वारा बच्चों को मंगलवार के दिन खीर पूरी नहीं खिलाई गई और कल मध्य प्रदेश स्थापना दिवस था और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर ही इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी, सर इस संबंध में क्या कहना आपका? वैसे मध्य प्रदेश दिवस पर जो एक विशेष कार्यक्रम होना चाहिए था, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बताए थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना चाहिए था और उनको विशेष भोजन खीर पूरी वगैरह या जो भी मीठा वगैरह कुछ देना चाहिए था। अगर उन्होंने नहीं दिया है तो उसकी हम जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं दिया। क्या नाम है सर आपका? आर के सिंह कुशवाहा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।